गाइस रेडी? यस सर। मेरे लिए इम्यूनिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर इम्यूनिटी नहीं तो पहला टारगेट सबको पता है मैं ही होने वाला हूँ, और इस स्टेज पे आके मुझे घर नहीं जाना था। गो। जा 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 जा। अलग अलग चल जाना, अलग अलग। मैंने और हिमांशु ने एक बहुत सिंपल चीज सोची थी कि वो सीधा जाएगा, मैं लेफ्ट मुड़ जाऊंगा, ताकि हम अलग अलग पार्ट में ढूंढने और जल्दी जल्दी पट्टियां ढूंढने। फास्टर हिमांशु। अबे पीछे जा, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? हमारे हिमांशु भैया वो ऐसे उद्विलाप की तरह घूम रहे थे कि पता नहीं क्या ढूंढ रहा होगा। दिमाग खराब है। दो मिल गए। हर रूम के अंदर मैं पर्सनली जाके चेक करता हूँ, रोज रोज मिलते ही नहीं है काफी देर तक। आराम से आओ, कोई बात नहीं, सांस का इशू है यहाँ पे। मिला? नहीं। अबे कहाँ गया बे? है ही नहीं भाई। आराम से आओ रोडीज, मैं हूँ, तुम्हें लेके जाऊंगा घर। भाई अंदर जाके वो अंधेरे में खो जाते हैं, मतलब उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, उन्होंने इतना टाइम बर्बाद किया वहाँ पे। तीसरा है कहाँ? चल 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 जल्दी आओ यार। मैं देखती हूँ तीनों के तीनों पट्टी है शिवी के हाथ में, और मैं सबसे ज्यादा हिमांशु से एक्सपेक्टेशन रख रही थी कि वो अच्छा टास्क करेगा, वो कहीं ना कहीं उतना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था। चल पास। ओ! 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 तो मार रहे हैं। ये क्या है? तो हिमांशु ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया, बाहर निकलते सीधा रिंग में घुस गया और उसने एक झटके में उसका रिबन निकाल दिया। जैसे ही शिवेत उसका दूसरा रिबन निकालता है, मैं और शिवेत फटाफट उसे मम्मीफाई करने में लग जाते हैं, ताकि यहाँ पर हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जैसे वासु की पट्टियां लगी, मुझे पता था हिमांशु के बस का कुछ नहीं है, तो मैंने वासु को अकेले कंधे पे उठा लिया। आगे तरफ उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, सीधा करो। नहीं यार, ये तो कुछ भी कर रहे हैं यार, करने के लिए मुझे ये नहीं समझ रहा कि यू हमारे साइड है या वो गैंग गौतम या गैंग रिया के साइड है। वो हमारे टीम में रह के हमारे टीम के बारे में बुरा बोल रही है कि हमारे टीम के लड़के बराबर उठा नहीं रहे हैं, जबकि शिवी ने उसको बहुत अच्छे से उठाया। पकड़ना उसी टांगे, पकड़ पकड़ पकड़, फेस से रख, फेस से रख, बस बस बस। हिमांशु चल। उसको बहुत ही आराम से उठा के मैंने उस स्लोप में से पास कर दिया। मैंने पहले ही बता दिया था हिमांशु को कि वासु को सीधा खड़ा कर दियो, ताकि मैं वापस उसे कंधे पर उठा सकूं। चल उधर जा। लेकिन हिमांशु का ये तो है ही नहीं भाई, सिर्फ बक 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 करता है, वहीं खड़ा हो गया यूं। जा ना, तू आगे जा। राम से, राम से, राम से। पकड़, पकड़। काट जाओ, काट, काट दिया। मांशु को देख के तो ऐसे लग रहा भाई इसने टास्क किया क्या है, आता ना जाता भारत माता बस आ जाते हैं टास्क करने। आराम से नेक्स्ट सामान। इसलिए हमने तो पैर खोल रखे हैं, इस रस्सी को बांध ले। तो हमारी एक सिंपल स्ट्रेटेजी थी, हमें टाइम एक ही जगह बचाना था जो मास वाले एरिया था। चलो